हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश का बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारा जो रनिंग टॉपिक है वो टॉपिक कंजेक्शन का था, और कंजेक्शन जो बेसिक है, कंजेक्शन जो इसका बेसिक है, ऑलरेडी हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कस कर लिया था। आखिर इस किस किस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार में कौन कौन सा कंजेक्शन चलता है, ये सभी बातें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी थी। आज हम कुछ एक कंजेक्शन लेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को सॉल्व आउट करेंगे कि आखिर किस तरीके से कौन सा कॉन्सेप्ट लगने पर किस प्रकार के कंजेक्शन का यूज किया जाता है। देखिए, आज हमारा जो मेन जो टॉपिक है वो है सच दैट और सो दैट। दोनों ही कंजेक्शन है, एक है सच दैट और दूसरा है सो दैट। दोनों का जो मीन है वो होता है ऐसा कि, इतना कि, इस तरीके से इनका मीन चलता है। हम यहां पर इनके कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि किस तरीके से कौन सा कॉन्सेप्ट हमें यह बताएगा कि यहां पर यूज होने वाला सच दैट है और यूज होने वाला सो दैट है। तो चलो देखिए, इस प्रकार की क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं भैया, इसलिए इसको विशेष ध्यान से देखना। देखिए, ये सच दैट और सो दैट ये क्या करता है, ये रिजल्ट जो परिणाम है उसको इंडिकेट करता है। आपका जो सच दैट है, सो दैट है, वो किसको इंडिकेट करता है, रिजल्ट को। किसको इंडिकेट करता है, रिजल्ट को, कंसिक्वेंस, ठीक है, परिणाम को, रिजल्ट को क्या करता है, ये इंडिकेट करता है। ध्यान रखना, ये थोड़ा बैड सीक्वेंस भी चले जाता है और ये आपका सीक्वेंस रहता है, ये रिजल्ट रहता है। ये हम रिजल्ट के लिए सच दैट और सो दैट का यूज करते हैं। अब देखिए, दोनों में अपन अंतर की बात करते हैं कि आखिर इन दोनों में क्या अंतर है। तो दोनों में अंतर की बात करें तो आपको पता चला कि रिजल्ट को और कंसिक्वेंस को इंडिकेट करता है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहां पर अपन कैसे पता करें कि यहां पर आने वाले सेंटेंस में सच दैट होगा, आने वाले सेंटेंस में सो दैट होगा। तो ध्यान से समझिए भैया, देखिए, सच किसको फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, सच, सच फॉलो करता है नाउन को, सच फॉलोड बाय नाउन। सच किसको फॉलो करता है, सच फॉलोड बाय नाउन, यानी यहां पर ध्यान देना, ये जो चीज फॉलो करती है वो सच को करती है। उसके बाद में सो फॉलोड बाय, सो फॉलोड किसको फॉलो करेगा, सो एडजेक्टिव को या एडवर्ब को। ध्यान से समझना भैया, यहीं से आपका कॉन्सेप्ट बन रहा है। सच वाला जो सेंटेंस होगा उसमें यहां पर नाउन आएगा, नाउन को फॉलो करेगा, और सो आएगा वो फॉलो करेगा एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। यहां पर दोनों में डिफरेंस यही है। डिफरेंस को बड़ी ही अच्छी तरीके से समझना भैया, सच किसको फॉलो, सच फॉलोड बाय नाउन, एंड सो फॉलोड बाय एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब होने पर सो और नाउन होने पर सच और दैट दोनों में रहता ही है, वो कॉमन है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, क्लियर और नॉट क्लियर। चलो देखिए, मैं यहां पर आपकी सुविधा के लिए इसको थोड़ा सा मैं एक सेंटेंस फॉर्म में लिख देता हूं। इसको थोड़ा सा एक जो स्ट्रक्चर है उसका वो आपके सामने यहां पर बना देता हूं। देखिए, सच के लिए तो क्या होता है, सच के लिए होता है सच प्लस ए एन प्लस नाउन प्लस दैट,
ये तो है आपकी सर्च फॉर्म, ध्यान से समझना भैया। सेंटेंस में यदि ये स्ट्रक्चर बनता है तो डेफिनेटली आप सच दैट का यूज कीजिए। सेकंड, सेकंड की बात करेंगे, सो प्लस एडजेक्टिव एंड एडवर्ब प्लस, उसके बाद में आपको लगाना होगा यहां पर दैट। इस तरीके से यदि सेंटेंस फॉलो होता है तो आप वहां पर सो दैट का यूज कीजिए, यानी आपको सो दैट पूछे और रिक्त स्थान जहां दे रखा उससे पहले उसके बाद एडजेक्टिव एडवर्ब दे रखा है तो वहां पर सो का यूज कीजिए, नो डाउट। और यहां पर यदि नाउन दे रखा है तो वहां पर आप किसका यूज कीजिए, सच का यूज कीजिए। कोई आपके किसी भी तरीके से प्रॉब्लम सेंटेंस में नहीं होगी। इन दोनों जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। यहां पर जो वर्ड आ रहा है वो आपको रिजल्ट को इंडिकेट करेगा, कंसिक्वेंस को इंडिकेट करेगा। ये सब चीजें आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, मैं थोड़ा दूर हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलो देखिए आगे, एग्जांपल देखते हैं इनका, एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से हम इनको सोल्व आउट करेंगे भैया, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला मैंने लिखा एग्जांपल नंबर फर्स्ट, दे रॉट सच या सो, दे रॉट सच या सो क्लियरली, क्लियरली उसके बाद में लिखा दैट एवरीवन, दैट एवरीवन अंडरस्टूड देयर पॉइंट। ये था भैया, इस तरीके से सेंटेंस आपको दे दिया। यहां पर आपको यह बताना है कि सच का यूज होगा या सो का यूज होगा, दैट ऑलरेडी मैंने कॉमन रखा है, नो डाउट, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्लियरली क्या है, क्लियरली पहले तो मैं दोनों एक बार स्ट्रक्चर लिख देता हूं, सच का और सो का। देखिए सच प्लस ए एन प्लस नाउन प्लस दैट, ठीक है। दूसरा था सो प्लस एडजेक्टिव प्लस, सॉरी एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस आपको दैट, ये दोनों स्ट्रक्चर आपके थे। अब देखिए यहां से स्ट्रक्चर कॉमन है क्या, यहां पर देखा क्लियरली, क्लियरली क्या है, यहां पर एडवर्ब है। आपको कैसे चला एडवर्ब है, देखिए वर्ब को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो यहां एडवर्ब बना और एडवर्ब से ठीक पहले देखिए एडजेक्टिव और एडवर्ब होने पर किसका यूज होना चाहिए, शो का। तो यहां पर आने वाला वर्ड क्या होगा आपका, सो क्या होगा। एग्जाम में इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और गाइस ध्यान रखें आपको ये सब चीजें जब नॉलेज में होगी तभी आप लोग इनको क्लियर कर पाओगे, अच्छा कर पाओगे, मार्क्स टोटल ले पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहां पर किसका यूज करना है, सो का। अतिरिक्त एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसको भी देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं, It was, मैंने फिर से लिया सच या सो और उसके बाद में लिया a cold night, फिर उसके बाद में that I stopped writing, ध्यान से समझना। स्ट्रक्चर आपके सामने था, दोनों स्ट्रक्चर मैंने दिए थे, और देखिए यहां पर ए और उसके बाद में कॉल्ड नाइट नाउन है, क्या है यहां पर, नाउन है। और जब ये नाउन आ गया तो कंफर्म यहां पर किसका यूज होना चाहिए, सच का, किसका यूज होगा, सच का। तो यहां पर मैंने स्ट्रक्चर में बता रखा था, स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, यहां पर यूज होगा जो किसका होगा, सच का। इस तरीके से आपको अपना जो एग्जाम्पल है वो इस तरीके से प्रिपेयर करना है। देखिए नेक्स्ट, अब देखिए हम इसी की तुलना करते हैं सच एज के साथ में। देखिए यहां से दोनों एग्जांपल मैंने सच दैट का और सो दैट का दोनों ही मैंने आपको समझा दिया। अब यहां पर लेते हैं सच एज, सच एज देखिए मैं कंपेयर करूंगा उनसे जो मैंने पहले बता दिया, जो मैंने पहले दो बता दिया उनसे मैं कंपेयर करूंगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना।
यहां पर देखिए सच एज का मीन होता है फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण। सच एज का मीन क्या होता है? एग्जाम्पल, उदाहरण, ध्यान से बना। और जो मैंने सच डेट बताया, सो डेट बताया, वो क्या था? परिणाम का, रिजल्ट का, कंफर्म। यहां से देखेंगे अपन कि सच एज आपका क्या है? एग्जाम्पल है। सच एज क्या है आपका? यहां पर एग्जाम्पल। सोचिए कि उसमें और यहां पर किस तरीके से क्या डिफरेंट बन रहा है। देखिए सच एज आपका एग्जाम्पल के लिए होता है, अतिरिक्त उदाहरण बताने के लिए होता है, वैसा ही कुछ और हो वैसा बताने के लिए यहां पर होता है। बहुत सारे उदाहरण जो दिए जाते हैं उसके लिए सच एज का यूज हम किया करते हैं। ध्यान रखना, मैं यहां पर सच डेट का बताया, सो डेट का बताया, अब है आपका सच एज। इन तीनों में कहीं भी आपकी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भैया। देखना, मैं अभी सच एज का भी बता देता हूं। देखिए बात को समझना, ये दोनों रिजल्ट के लिए हैं, परिणाम के लिए है, और ये आपका उदाहरण के लिए है, एग्जाम्पल देने के लिए है। इतना ध्यान रखना, ये तो आपका रिजल्ट के लिए है और ये आपका एग्जाम्पल के लिए है। ये चीजें आप याद रखना दिमाग में। ये सच दैट और सो दैट तो क्या है? परिणाम, रिजल्ट के लिए। सच एज है उदाहरण, एग्जाम्पल के लिए। बात को समझना भैया, ये केवल परिणाम बताते हैं, ये केवल एग्जाम्पल बताता है। देखिए मैंने यहां पर एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल लिखा कि एक्ट्रेस सच, एक में लिखा दैट, एक में लिखा एज, उसके बाद में प्रीति, सोनाली एंड सपना हैव मेड लॉट्स ऑफ फिल्म, लॉट्स ऑफ फिल्म्स। ये एक्ट्रेस सच दैट है, एज है, प्रीति, सोनाली एंड सपना हैव मेड लॉट्स ऑफ लॉट्स ऑफ फिल्म्स। यहां से समझ रहे हो भैया, एक्ट्रेस सच दैट आएगा, एज आएगा। दैट किसके लिए होता है? रिजल्ट के लिए, परिणाम के लिए। एज क्या है? उदाहरण के लिए। तो यहां से देखिए एज ही यहां पर आएगा, क्योंकि यहां तो बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं। यहां कोई परिणाम नहीं है, यहां कोई रिजल्ट नहीं है, यहां तो क्या बताया जा रहा है? केवल और केवल उदाहरण बताया जा रहा है कि इस प्रकार की जो एक्ट्रेस है वो जो है बहुत सारी फिल्में बनाती है। ये तो केवल और केवल क्या था इसका? एग्जाम्पल था। ठीक है, ये तो सब क्या था इनका? उदाहरण था। ठीक है कि नहीं? चलो जी, एक एग्जाम्पल को यहां पर और पढ़ेंगे हम लोग। देखिए बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश हम कर रहे हैं, बस आपकी सहयोग चाहिए हमें। जो स्टूडेंट अपने इस चैनल के ऊपर नए हैं वो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलो देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग इसका। बेस्ट एग्जांपल है आई लाइक फ्रूट्स, आई लाइक फ्रूट्स सच दैट लिखा, एज लिखा, उसके बाद में एप्पल्स, बनानास, ठीक है, एंड और गवावा, ठीक है, ठीक है। तो यहां से देखिए दैट तो परिणाम, तो कोई परिणाम नहीं है, यहां तो एग्जांपल बताया जा रहा है। तो इसी स्थिति में यहां पर क्या आएगा? सच एज आएगा, दैट नहीं आएगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको कंपेयर करके बता दिया, एक तो सच दैट का और सच एज का। ध्यान से समझना भैया, सच दैट सबसे पहला अपना कंपेयर है सच दैट और सच एज का। सच दैट में तो रिजल्ट बताया जाता है, परिणाम बताया जाता है, सच एज में उदाहरण एग्जाम्पल दिए जाते हैं। कंफर्म, दोनों में डिफरेंट समझ आ गया। अब डिफरेंट देखते हैं सच दैट में और सो दैट में।
इसका मैंने डिफरेंट आपको बताया था कि सच के बाद में नाउन आता है और सो के बाद में एडजेक्टिव और एडवर्ब आती है। तो तीनों का यहां पर मैंने बहुत ही बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपके सामने मैंने किया। यदि अभी भी किसी भी स्टूडेंट के सामने किसी प्रकार की समस्या आती है तो डेफिनेटली वो हमें कमेंट्स के माध्यम से ये बात बता सकता है कि ये चीज हमें प्रॉब्लम दे रही है, तो हम उस बात को वापस से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, चलो देखिए आगे वाले जो कॉन्सेप्ट है हम उनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब एक बार इसका। देखिए कुछ एक कंजक्शन मैंने यहां लिखा है, इवन इफ है, एज लॉन्ग एज है, एज सून एज है, अनटिल है, अनलेस है, व्हेन है, व्हेनेवर है। इनका मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके सामने बताया, इनके जस्ट बाद में सब्जेक्ट वी वन एस और ये सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद में सब्जेक्ट कैन मे विल शैल और वी वन ऑब्जेक्ट अदरवर्ड ये आता है। इन सब का डिस्क्राइब करेंगे हम अपन आगे आने वाली क्लास में। ये मैंने आपके सामने एक फॉर्मेट लिखा है, फॉर्मेट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू एनी एग्जाम। ठीक है, देखिए मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने करवाया विद कॉन्सेप्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि ये जो सच है जे और सो दैट सच दैट, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अभी भी आपकी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप बोलिए, कमेंट कीजिए, हम वापस सॉल्यूशन में लाएंगे इसको। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।